सदैव की भांति जो हमारे मीडिया मित्र हैं आप सभी इतना सहयोग करते हैं हमको, मैं आप सबका हृदय से शुक्रिया अदा करता हूं एक बार फिर कि आप जब भी हम आपको बुलाते हैं आप प्रेम से आते हैं और हमारी बातें सुनते हैं और उनको पब्लिक तक पहुंचाते हैं। शायद मेरी लास्ट टाइम आप सबसे चर्चा हुई थी कि हम लोग एक बहुत बड़े इवेंट पे काम कर रहे हैं जिसको हमने नाम दिया है रामायण कॉन्क्लेव। ये 3 दिन का ऐसा अंतर्राष्ट्रीय फंक्शन होगा जिसमें करीब 10 से 12 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर्स, विद्वान लोग, कविगण, लेखक, इसके अलावा आर्टिस्ट, सब लोग इसमें हिस्सा लेंगे। और ये 3 दिवसीय कॉन्क्लेव होगा दिल्ली में जिसमें कि सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक प्रभु श्री राम, उनसे जुड़ी चीज़ें, रामायण, हमारा हेरिटेज, हमारा टूरिज्म, उस पर बात होगी। इस सब में मैं सबसे पहले तो हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं और हमेशा हम लोगों का साथ बहुत पुराना है, आदरणीय विभव तोमर जी, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि हम लोग इस काम के लिए आगे बढ़ें। फिर मेरे छोटे भाई आदरणीय महेंद्र जी जो इस कॉन्क्लेव के मुख्य प्रवक्ता भी हैं, आदरणीय विभव जी इस कॉन्क्लेव के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक हैं और रुचिन हमारे उपाध्यक्ष हैं कार्य समिति के। मुझे ये मौका मिला है कि मैं इस कॉन्क्लेव को का निर्देशन कर सकूं और इस कॉन्क्लेव को मैं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो डिग्निटीज़ हैं या इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको मैं एक क्रियात्मक रूप दे सकूं। सबसे जो खूबसूरत बात हमने रखी है जो कि हमारी कला को जोड़ता है इस कॉन्क्लेव से, रामायण को हमने एक गजल रामायण में लिखवाया है। हमारे उत्तर प्रदेश में रहते हैं पूर्व न्यायाधीश हैं श्री चंद्रपाल सुकुमार जी, उन्होंने लिखा है इस रामचरितमानस को गजल रामायण के प्रारूप में और वो करीब आधा घंटे का पूरा म्यूजिकल सागा है जिसे हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। इंडस्ट्री के टॉप सिंगर्स गाएंगे उसको, कल से उस पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद उसका पूरा पिक्चराइजेशन होगा और उन सभी जगह पे होगा जहाँ पे प्रभु श्री राम के पदचिन्ह है या प्रभु श्री राम की उपस्थिति है, जैसे श्रीलंका है, जैसे थाईलैंड है, जैसे इंडोनेशिया है, नेपाल है, इवन चाइना भी है और हमारा देश तो है ही, और भी कई कंट्रीज हैं। इस सब में जो सबसे बड़ा जो अविस्मरणीय और खुशी का पल था हमारे लिए गत 22 जुलाई को श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति श्री महिंदा राजपक्ष जी ने सपत्नी हमारा आमंत्रण स्वीकार किया कॉन्क्लेव के लिए और वो इस कॉन्क्लेव में हमारे मुख्य अतिथि के तौर पे मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ हम अपने देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनसे भी हमारा अनुरोध रहेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश के, क्योंकि राम जी की जन्मभूमि है उत्तर प्रदेश, उनसे भी अनुरोध रहेगा। और ये एक पल आपको इन चार के साथ में एक और शख्सियत जो नज़र आ रही हैं, कविता बहुत अच्छी संवेदनशील अभिनेत्री हैं, हम मेरा सौभाग्य है मैं इनके साथ फिल्में भी कर रहा हूँ, तो कविता इस रामायण कॉन्क्लेव का मुख्य चेहरा है, शी इज़ अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रामायण कॉन्क्लेव। तो आज इसीलिए हमने कविता को भी यहाँ पे आमंत्रित किया आप सबके साथ, हमने कहा आप इनसे भी रूबरू हुई है और बाकी इन्फॉर्मेशन आपको विभव जी दे देंगे। जी सर, क्या कहना? ये रामायण कॉरिडोर जो प्रेरित किया था हमें श्रीलंका के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष महिंदा राजपक्ष जी, तो उनसे हमें प्रेरणा मिली और हमने इसकी एक रूपरेखा तैयार की कि एक विशाल कॉन्क्लेव हम लोग ग्रेटर नोएडा या उत्तर प्रदेश में कहीं उसको आयोजित करेंगे और फिर उसके बाद में हम इसको एक इतने विशाल रूप में लेके जाएंगे कि उससे हमारे देश में पर्यटन बढ़े और हमारे देश के लोग दूसरे देशों में जाएं कि यहाँ कि वहाँ प्रभु राम जब गए थे तो कहाँ कहाँ क्या क्या उनके सामने कितने कितने उन्होंने काम किए वहाँ पर और किस तरह से उनके पदचिन्ह कष्ट झेले उन्होंने प्रभु श्री राम उनके पदचिन्हों पे कहाँ कहाँ मतलब जहाँ जहाँ प्रभु राम के पदचिन्ह हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे और इससे पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा और जो हमारी यंग जनरेशन है उसको प्रभु राम को समझने की और वो प्रेरणा मिलेगी। मंदिर जाके हमारे मुख्य प्रवक्ता हैं हमारे इस कॉन्क्लेव के महिन जी। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है श्री राम कॉन्क्लेव में उसमें आजकल अध्यात्म की तरफ से ध्यान थोड़ा सा युवा पीढ़ी का हटता जा रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से जितनी जानकारी हो पा रही है उतनी जानकारी हो पा रही है, बाकी वैसे तीर्थ स्थलों पर जाने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। तो हमारा कॉन्क्लेव का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि जो युवा हैं हमारे जो अध्यात्म से थोड़ा भटके हुए हैं, अध्यात्म में उनका रुझान नहीं है, तो सबसे बड़ा हमारा यही फायदा है उसमें कि सारे युवा अध्यात्म की तरफ आकर्षित हो, अपने धर्म के प्रति पहचाने और श्री राम जी के जहाँ जहाँ समृद्धियाँ पाई गई हैं उनको हम संग्रहित करने की कोशिश कर रहे हैं और
पूरी कोशिश रहेगी कि 2020 का ये सबसे बड़ा इवेंट हो हमारा, यही हमारी सबसे अच्छी पूरी कोशिश रहेगी। मेरा कहना श्री राम कॉरिडोर को लेकर यही है कि हमारा उद्देश्य एक ये भी है कि जितने भी अनुयायी श्री राम के देश विदेश में हैं उन सबको एक साथ जोड़ेंगे, जिसके जुड़ने से ये पता लगेगा कि न सिर्फ भारत में, भारत से बाहर भी श्री राम का कितना वर्चस्व कितना रहा है उसके बारे में पता चलेगा। बिल्कुल अयोध्या जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या तो जाएंगे हम लोग, जरूर जाएंगे और लेके जाएंगे हम लोग, जो हमारे विदेश से जो मेहमान आएंगे उनको हम लेके जाएंगे अयोध्या, उसका कोई भी दूसरा प्रारूप नहीं है कि कोई मीडिया सेंसेशन या कुछ, अपना अयोध्या पे गर्व है हमको, अयोध्या पे ऐसा थोड़ी अयोध्या का मतलब कोई वही है कि नहीं विवाद भी भरी जगह, अयोध्या तो सबसे पवित्र स्थली है, भगवान विष्णु के 12वें अवतार प्रभु श्री राम ने वहाँ जन्म लिया था, तो उससे बड़ी पवित्र जगह और कौन सी होगी, अब कौन उसे किस परिप्रेक्ष्य में देखता है वो हम आपकी सोच पे, हम लोग बिल्कुल जाएंगे और हम जाते हैं अयोध्या जरूर। ये 3D में होगा जैसे पोस्टर में अनवेल, पीछे आपके पोस्टर है, 3D में रहेगा कि असली मतलब आप इस चीज को निभाएंगे? नहीं, एक्ट करके बिल्कुल निभाएंगे, आपके साथ मेरी एक्ट्रेस बैठी हुई है और हमारे इस प्रोग्राम की जो कॉन्क्लेव की ब्रांड एम्बेसडर है कविता, तो डेफिनेटली हम लोग शूट करेंगे इसको। एक सभी काफी सारे लोग एक चीज को पकड़ कर चलते हैं, अभी लव कुश भी स्टार्ट हुआ है, यहाँ से मीडिया को स्पेशली अयोध्या लेके जाया गया है, वो सारी चीजें हैं जो अभी तक दिखाई नहीं गई है, तो कितना कंपटीशन लेकर चल रहे हैं मार्केट में आप कि वो चीजें हमारे प्रोग्राम को ज्यादा देखें या फिर हम लोगों का कंपटीशन तो तब होता है जब आप किसी से अपनी प्रतिस्पर्धा माने, इस ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा, आज तक ऐसा कॉन्सेप्ट आप मुझे बता दीजिए कहीं हुआ हो, 10 से 12 देशों के लोग आके 3 दिन और प्रभु श्री राम का गुणगान करेंगे, वो बताएंगे, उनके लोग आके कहेंगे कि हमारे यहाँ आइए क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रभु श्री राम ने ये एक्टिविटी की थी, हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ पे उन्होंने ये सुख देखा था, उन्होंने ये दुख देखा था, तो हमारा कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं, हम लोगों का कोई ऐसा, इसके कोई भी ऐसे कमर्शियल एस्पेक्ट्स नहीं है जिससे कि हम ये माने कि हमारा उनसे कॉम्पिटिशन है, ऐसे कॉम्पिटिशन है, हमारा जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हम एक छत के नीचे वैश्विक बिरादरी को इकट्ठा करें, उन्हें बताएं कि देखिए हिंदुस्तान में क्या क्या है, और प्रभु श्री राम के जिसको नाम को लेके कई लोग, ईश्वर का नाम है वो तो किसी रूप में भी लीजिए आपको तो उसका फल मिलता ही है, तो लोग लेके जो कंट्रोवर्सी है उससे एक अलग, इसका कोई ऐसे मायने नहीं है, एंड वी आर टोटली सेपरेट इन ऑल दैट थिंग्स। सर वाई वी नीड अप्रूवल फॉर दैट, मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं तो हिंदू हूँ तो मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं क्यों अप्रूवल लूंगा, मैं काम कर रहा हूँ, मैं रामायण प्रभु श्री राम की, हम रजिस्टर्ड कंपनी है, हम टैक्स देते हैं, हम लोग लोकेशन पे शूट, तो देखिए लोकेशन शूट के लिए तो नोबडी आर गोइंग टू स्टॉप यू अनटिल अनलेस जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का एक वीटो ना हो कि ये जगह विवादित है आप यहाँ शूट नहीं करेंगे, उस जगह हमको जाना ही नहीं है, हम पर्टिकुलर में नाम नहीं लूंगा, क्यों क्रिएट करेंगे, हम अयोध्या जाएंगे, अयोध्या तो बहुत बड़ी है, अयोध्या आप आइए, अयोध्या में आरती होती है शाम को, अयोध्या जी में इतने मंदिर हैं, राम जानकी मंदिर है, जानकी घाट है, सारे मंदिर हैं, सब में आप जाइए, अयोध्या में केवल पर्टिकुलरली वो जगह ही नहीं है जहाँ की आप बात करने की अगर कोशिश कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट द प्लेस, कण कण में राम है, अयोध्या में जब आप एंटर करते हैं तो प्रभु श्री राम की टेरिटरी स्टार्ट, आप वहाँ शूट कीजिए, नृत्य कीजिए, एक्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए, नोबडी आर गोइंग टू स्टॉप। सर विदेशों से मैं, सॉरी कविता को इंटरप्ट किया मैंने, विदेशों में मैंने मात्र एक जगह पे जाके श्रीलंका में वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे जो कि विश्व के एक शक्तिशाली नेताओं में शुमार होते हैं, सिर्फ उनसे हमने जिक्र किया, हम और विवेक भैया दोनों साथ में थे, और उन्होंने जिक्र के बाद ये भी नहीं कहा आप क्या कर रहे हो, ही सेड ओके आई एम कमिंग, तो इससे बड़ा सहयोग और क्या होगा, और हम लोग क्योंकि ऑलरेडी पहले से देश विदेशों में काम करते हैं सब जगह पे, हमारे रिलेशन से हमारी छवि है, हमारे साथ कोई कभी विवाह जुड़ा नहीं, तो सबको भरोसा है कि अगर दुष्यंत करेंगे, विभव करेंगे या महेंद्र करेंगे तो यहाँ पे इन लोगों के एस्पेक्ट्स वो नहीं, और आप भी शायद हमें 15-16 साल से तो जानते ही हैं, तो ऐसा कोई कहीं पे सिस्टम ही नहीं है कि हमको किसी के असहयोग की ऐसी अपेक्षा, सहयोगी सहयोगी। बाकी इन लोगों ने सब कुछ बता दिया, मुझे तो लग रहा है मुझे घूमने का मौका मिलेगा, मुझे एक राम जी के, मतलब मैं जब छोटी थी तो मैं देखती थी रामायण वगैरह सब सीन्स वगैरह जो टीवी पे जो भी आते थे, तो उस टाइम के बाद मेरे को कुछ जानने को मिला नहीं, तो मुझे लग रहा है आप बहुत कुछ जानूंगी मैं आगे राम जी के बारे में, और जैसे इन्होंने बताया कि उनके बहुत जगह पे वो गए थे और क्या क्या हुआ था, तो वो सब चीज़ें जानने का मौका मिलेगा, इसके आगे और भी कुछ अच्छी एक्सपीरियंस रही तो मैं वो भी आपसे शेयर करूँ। मेरा किरदार किरदार तो ये रामायण जो कॉन्क्लेव है कविता, उसका चेहरा है, एक फेस होता है, क्या तो, है?
सर रामायण का फेस कौन है? सीता है. कविता इज नॉट प्लेइंग अ सीता. फेस कौन है? रामायण शुरू कहाँ से हुई? अगर रावण वो हरकत न करते तो कोई कोई दिक्कत नहीं, राजकाज आराम से चल रहा था. जैसे और राजा हुए रानी हुए ऐसे ये भी कहानी हो जाती. तो मुख्य किरदार कौन है रामायण का? वो सीता है. इसी तरह से रामायण कॉन्क्लेव में अगर कोई फेस है जो जो पूरे इसको एक 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 कैंपेन को रिप्रेजेंट करेंगे वो कविता है. सीता के लिए आपने कविता को क्यों चुना? मैं सीता पे फिल्म नहीं बना रहा हूँ. I'm not filming her as an a Sita. I'm filming her as an a face, as an a one a good character, जिसको कि हम लोग एक frame में रख के एक publicized kind of way में shoot करके और हम एक अच्छे तरीके से represent कर सकें अपने country को. जी राम और लक्ष्मण कौन रहेंगे सर? बिल्कुल सारे एक ही बार में बता देंगे तो दोबारा आएंगे नहीं आप. एक ही बार हम बता देंगे, एक ही बार बता देंगे तो आप आएंगे नहीं. तो आप इस चर्चा को आज क्यों खत्म करना चाहते हैं? रामायण कॉन्क्लेव का मैं आपको एक भरोसा दिलाता हूं कि 2020 तक दो ही इवेंट है वर्ल्ड में. एक तो दुबई में 2020 एक्सपो होगा या इंडिया में रामायण कॉन्क्लेव होगा. तो हमारी आपको खुद नहीं, हमारी आपकी अभी कम से कम 50 से 100 मुलाकातें होंगी और हर मुलाकात में एक एक हम लोग नई नई चीज लेके आएंगे आपके सामने. किशन जी, कविता जी खास तौर पर फिल्म कर रही है, नेटबॉक्स एक और फिल्म कर रही है, क्या खास बॉन्डिंग भी अच्छी है क्या? नहीं, अच्छी एक्ट्रेस हूँ इसलिए. कविता 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 बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, एक पढ़ी लिखी शख्सियत है और सबसे बड़ी बात कमिटेड आर्टिस्ट है. जब आपको कमिटेड आर्टिस्ट मिलते हैं, जो कि सिर्फ डायरेक्टर ने अगर कह दिया कि सूरज पश्चिम से निकल रहा है तो सर बिल्कुल करेक्ट बात है, सूरज पश्चिम से निकल रहा है. शी इज़ दैट काइंड ऑफ आर्टिस्ट. एंड जब हम लोगों ने पहली फिल्म मैंने साइन की थी कविता के साथ, तो वी प्रॉपरली साइन कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर कि हम लोग 3 फिल्में हम लोग करेंगे. उसी बेस पर ये भी हमारे साथ एक्सक्लूसिव काम करने तैयार हुई और उसी बेस पर हमने भी इनके साथ एक्सक्लूसिव काम करना तैयार किया. तो एक तो वो हमारी जो कमिटेड कमिटमेंट है आपस में, वो कमिटमेंट को मैं समझता हूँ कि पूरा करना मेरा भी धर्म है और इनकी भी ड्यूटी बनती है. साथ में जब हम काम कर ही रहे हैं तो डेफिनेटली हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारे अपने कैंप के जो लोग हैं वो ही हमारे साथ जुड़ के काम करें. तो आई रिक्वेस्ट कविता कि आप इस कॉन्क्लेव का चेहरा हो जाओ. तो वही क्वेश्चन था इनका कि मैं आप मुझसे ऐसा रोल प्ले कराओगे तो ऐसा नहीं होगी कोई मैं टाइप्ड या कुछ. तो मैंने बोला इट्स नॉट अ सीरियल या कोई ऐसा नहीं है और बिलीव रखो. तो शी सेड कि ठीक है आपने बोला है तो मैं आप पे बिलीव करके जब आई एम रेडी टू डू इट. तो आई एम हैप्पी कि मेरे साथ ऐसे आर्टिस्ट काम कर. ये भी बोला था मैं राम और सीता के बारे में उतना कुछ जानती नहीं हूँ तो मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको. शूटिंग्स वगैरह जो हम चित्रकूट में करेंगे जहाँ जहाँ श्रीराम जी का तीर्थ है, सिर्फ यही नहीं कि अयोध्या में ही शूटिंग होनी है तो उनका शूटिंग भी उनका किरदार उनका लिया जाएगा. तो इस मामले में मैं थोड़ा सा लकी हूँ कि मेरे साथ कविता ही नहीं और भी जो मेरे जो आर्टिस्ट हैं मेरी फिल्म से जुड़े हुए या हमारे टेलीविजन जो करते हैं हमारे साथ, मेरी बड़ी सबसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहती है. आखिर में तो मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आपके माध्यम से मैं वैश्विक बिरादरी को आह्वान करूँगा कि हम लोग जनवरी में हमारा ये 3 दिवसीय कॉन्क्लेव है नोएडा में फिल्म सिटी में, आप सब लोग आएँ. उसका एक प्रॉपर सिस्टम होगा, प्रॉपरली हम लोग एक गेटवे होगा, कैसे आप उसका एंट्री पास ले सकेंगे सब चीज़ होंगी. बट जैसे ही वो गेटवे ओपन हो तो मैं ज़रूर चाहूँगा आप सबके माध्यम से सबको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आइए और इस महाअभियान का हिस्सा बनिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम आपकी अपेक्षाओं पर खड़े उतरेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू.